नमस्कार, एजुकेशन न्यूज एनालिसिस में आज बात करने वाले रीट परीक्षा की। रीट परीक्षा 2021 लेवल फर्स्ट के लिए विशेष तौर पर कठिनाई पैदा करने वाली भर्ती है। आज की इस कंप्लीट न्यूज एनालिसिस में आपको बताने वाले कि 2018 के मुकाबले 2021 की रीट भर्ती परीक्षा क्यों अलग है। क्योंकि 2018 की रीट भर्ती परीक्षा की बात करें तो उसमें पद भी इससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा थे और लेवल प्रथम के अंतर्गत बीएड डिग्रीधारियों के शामिल नहीं होने के कारण लेवल प्रथम में कंपटीशन नाम मात्र का था। अब परिस्थितियां कुछ अलग हैं क्योंकि एनसीटीई के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब लेवल प्रथम के अंतर्गत बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, जब रीट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि लेवल प्रथम के अंतर्गत केवल बीएसटीसी डीएलएड डिग्रीधारी शामिल होंगे, लेकिन इसके विरोध को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए और इसके बाद कोर्ट ने लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को भी अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद लेवल प्रथम एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट इस बारे में अपनी राय यही दे रहे हैं कि लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय और इनमें बढ़ने वाली भीड़ का पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े हैं जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। रीट 2018 की बात करें तो रीट 2018 के अंतर्गत प्रथम लेवल में कुल पद थे 26,000 और इस 26,000 पदों के लिए कुल आवेदन आए थे 1,83,556। वहीं इनमें से 64,824 अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे। इस प्रकार से महज 6 से 8 अभ्यर्थियों के बीच एक सीट के लिए कंपटीशन था। इस प्रकार से द्वितीय लेवल की बात करें तो द्वितीय लेवल में कुल पद थे 28,000, जिनमें से 7,31,323 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से महज 2,57,239 पात्र पाए गए थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यदि बात करें तो दोनों लेवल में इस 2018 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल 54,000 थी, जो 2021 में बढ़कर 9,13,183 हो चुकी। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 की रीट भर्ती परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में ये पहला वाकया है जब रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्रथम लेवल में एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। इससे पहले प्रथम लेवल में महज 6 से 8 अभ्यर्थी एक सीट के लिए होते थे। इसकी बड़ी वजह प्रथम लेवल में केवल डीएलएड डिग्रीधारी शामिल होना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष राजस्थान में 20 से 25,000 बीएसटीसी डिग्रीधारी उत्तीर्ण होते हैं, जबकि बीएड डिग्रीधारियों की बात करें तो 90 से 95,000 डिग्रीधारी राजस्थान से और इतने ही मान के चले आंकड़े तो बाहरी राज्यों से अभ्यर्थी बीएड करके आते हैं, जिसकी वजह से बीएड के अंतर्गत कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही है। बात कर लेते हैं रीट 2021 की। रीट 2021 की बात करें तो कुल पद 31,000 हैं और L1 की बात करें तो L1 के अंतर्गत अब तक 3,63,317 आवेदन आ चुके हैं, जबकि L2 के अंतर्गत लेवल द्वितीय के अंतर्गत अब तक 3,63,819 आवेदन आ चुके हैं। दोनों लेवल के अंतर्गत अब तक 9,13,183 आवेदन आ चुके हैं। टोटल लगाएं तो अब तक 16,40,319 आवेदन आ चुके हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा प्रदेश की कितनी बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है। अभी आंकड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि EWS के लिए जैसे ही आवेदन रीओपन किए हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2,00,000 से अधिक आवेदन आने की और संभावना है। रीट भर्ती परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या के आधार पर भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसी को देखते हुए लगातार अभ्यर्थियां मांग कर रहे हैं कि इस 31,000 सीटों को बढ़ाकर 50,000 किया जाए, क्योंकि इतने अधिक आवेदन आने के बाद 31,000 सीटें बेहद कम हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बड़ी उम्मीद ये भी है
शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों वीसी के अंतर संकेत भी दे चुके हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा सर्वे भी कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त सीडीओज से ये सूचना मांग ली गई है कि जिस जिले में जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद खाली हैं, उनकी तुरंत सूचना भिजवाई जाए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रीट भर्ती परीक्षा में 7,500 तक पद बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई ठोस खबर नहीं है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस भर्ती के तुरंत बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा आने वाली है, जिसके बारे में काफ़ी पिछले वीसी के दौरान शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया। तो इतना जरूर तय है कि रीट भर्ती 2021 की बात करें तो विद्यार्थी भ्रमित हो चुके हैं कि L1 में आवेदन करें, L2 में या बोथ करें। मेरी पर्सनल राय आपको यह है कि जो अभ्यर्थी 2021 रीट की तैयारी करें वो इस में बिल्कुल भी ना पड़े। यदि आप L2 की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं, L2 में आपकी कमांड है, तो L1 के अंतर्गत आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हों, क्योंकि कंपटीशन में यदि आपकी कमांड अच्छी है तो भीड़ का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी L2 में रखिए, L1 वाले जो L1 की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी L1 में रखिए। बोथ के चक्कर में केवल वही स्टूडेंट पढ़े जो मैथ के स्टूडेंट हैं, अच्छा सब्जेक्ट जिनका कमांड है और GK की अच्छी पकड़ है। एवरेज स्टूडेंट केवल अपने एक लेवल को लेकर चलें और उसी में अच्छी खासी मेहनत करें, सफलता आपको मिल पाएगी। तो ये था आज विश्लेषण, विशेष तौर पर रीट भर्ती 2021 का। 2021 रीट भर्ती परीक्षा प्रदेश की चुनौतीपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में से एक और संख्या बल की दृष्टि से देखें तो प्रदेश की सबसे बड़ी होने वाली भर्ती परीक्षा है, जिसमें 18 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। क्योंकि अभी तक 16.5 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं, रीट के लिए EWS के आवेदन रीओपन हो चुके हैं, संभावना है संख्या और बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बात कि जहां 2018 में बोथ लेवल में महज 54,000 आवेदन आए थे, वो बढ़ करके अब 2021 में 9 लाख को पार कर चुके हैं। अभी अनुमान है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रीट 2021 18 के बजाय कितने गुना अधिक कठिन हो चुकी है। अब वहीं जो 6 से 8 अभ्यर्थियों का L1 में कंपटीशन था, बढ़ करके 50 से 55 हो चुका है। L2 के अंतर्गत जो कंपटीशन 17-18 स्टूडेंट का था, बढ़कर के 52 स्टूडेंट पहुंच चुका है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि L2 के अंतर्गत कंपटीशन 3 गुना, जबकि 8 गुना तक L1 के अंतर्गत कंपटीशन बढ़ चुका है। फिर भी आप निराश ना हो, क्योंकि कंपटीशन के अंतर्गत जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हमेशा सीमित रहती है, कभी भी पढ़ने वालों में कंपटीशन नहीं होता। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, तैयारी जारी रखें, जिस सब्जेक्ट में कमांड है उसी लेवल में बने रहे। आगे आपसे फिर मिलते हैं अगले ENA के अंतर्गत, एजुकेशन न्यूज़ एनालिसिस के अंतर्गत, अगले बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।